बीएसपी के प्रत्याशी हैं जिन पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है, ये बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर, बीएसपी के प्रत्याशी शबाना खातून की गाड़ी पर बताया जा रहा है ये हमला हुआ है। अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, प्रत्याशी शबाना खातून की गाड़ी का शीशा टूटा है और टांडा कोतवाली में तहरीर दी गई है। टांडा सीट से बीएसपी के ये प्रत्याशी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर अभी फिलहाल जांच की जा रही है। टांडा सीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, अज्ञात लोगों ने यह हमला किया है। बीएसपी की प्रत्याशी हैं शबाना और टांडा कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओके भार्गव जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। जो बात, जो रिएक्शन धनोज जी ने दिया वो ये कह रहे हैं कि वही बात जो बात प्रदीप जी बोल रहे थे, थाली में छेद किया, ओवैसी वाली बात, ओवैसी आपके रिश्तेदार वो बोल रहे हैं जिसमें कबूल किया आपने। सुनिएगा, हर बात सही कहते हो तो हल क्यों नहीं देते, हर बात सही कहते हो तो हल क्यों नहीं देते, और तुम यार जमाने को बदल क्यों नहीं देते, और जन्नत को बसाना था तुम्हें अपनी जमीन पर, तुमने पेड़ दिखाया तुम नहीं देते। जनता पार्टी और धनोज भाई अपने दिखाते हैं पेड़ के, उसमें फल नहीं होता, इसलिए नहीं होता। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल में बताऊं, योगी बाबा के ललका सार से जो परेशान है ना धनोज भाई, वो डंडा लेके खड़ा है दरवाजे पे, आजमत कर रहा है। पूर्वांचल में मैं घूम रहा हूँ धनोज भाई, आपकी पत्रकारिता को सलाम, और 10 तारीख को मिलेंगे। ये भार्गव कह रहा है जो धरती पर आप नहीं मिलोगे, आप नहीं मिलोगे, आप जीरो जीरो, 10 तारीख को लड्डू आपको लड्डू मिलेगा, लड्डू भार्गव जी, आपका नेता रोता हुआ मिलेगा और इल्जाम लगाता हुआ मिलेगा। भाजपा ने मेरे साथ संधि किया है, भाजपा ने मुझे हरा दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आपको नकार चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं भारतीय समाज पार्टी को नकार चुकी है। मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको 10 तारीख को लड्डू जीरो जीरो बटे सन्नाटा। ये पत्रकार का बीजेपी के नेता और प्रवक्ता, अरे मैं कुछ नहीं हूँ, छोड़िए मेरे को, आपके पास यही शब्द होंगे बोलने के लिए, सच्चाई कड़वी होती है भार्गव जी। आपके नेता समझ दीजिए, लड्डू 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 जीरो जी कह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं, व्यक्तिगत हमले जी, मनोज जी ने कहा, मनोज जी चावला जी ने कहा कि आप छोड़िए उस बात को प्लीज, एक मिनट, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रेम जी, मैं सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम हूं, बहुत देर से कर रहा हूं, एक मिनट मैं सक्षम हूं इसके सवाल का जवाब देने के लिए। हां वो ही चावला जी, इनको लड्डू मिलेगा, लड्डू ओके 10 तारीख को, ओके आप भी खा लीजिए, फिर मिलूंगा, ओके नाराज नहीं, आराम से बात करेंगे। प्रेम जी को एक शेर से जवाब दे रहा हूं, धनोज जी की बाबा ने दहार दिया, तुम्हें पूरब से पश्चिम तक पछाड़ दिया, सपने देखना है तो देखो मुंगेरी लाल का, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो योगी हैं, जनता हमारे साथ खड़ा है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया धनोज भाई, अब मेरी बात लीजिए, एक मिनट भार्गव जी, प्रेम जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, रुक जाइए ना, रुक जाइए, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, जनता का विवेक है ना आपने, आप समझ लेगी जनता भी, रुक जाइए, आप जरूरी बोलना, प्रवक्ता है ये है वो, रुक जाइए। प्रेम जी एक बात आपसे जानना चाह रहा था, 2017 और 2022 के चुनाव में क्या आप अंतर देख रहे हैं, और जो वाकई में चेहरा सामने रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, क्या दिखाई दे रहा आपको कि उसमें बीजेपी कुछ कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी हिंदुत्व के नजरिए से? देखिए तिलक जी, सबसे बड़ी बात है कि 2017 जो है 2014 से ज्यादा करीब था, और 2014 के बाद 2-3 साल तक तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पब्लिक सुनना नहीं चाहती थी, नहीं सुनती थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लोगों को बहुत उम्मीदों से जोड़ा, तो 2017 का चुनाव इस परिप्रेक्ष्य में हुआ था, और आप देख रहे हैं उसी का परिणाम था कि 325 सीटें लगभग एनडीए को मिली थी, और जो छोटे छोटे दल बीजेपी के साथ जुड़े थे वो भी उम्मीदों के साथ जुड़े थे, लेकिन 2017 के बाद जब 2022 आया है तो 2019 के बाद ये 3 साल का फेज है, और इस 3 साल में आप देखेंगे जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं
भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रचार नहीं किया है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसमें फर्क जो आया है वो कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है इस सरकार के लिए। पिछले विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी अखिलेश सरकार के लिए थी और इस प्रेम जी आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं, आपका आंकड़ा किसकी सरकार की तरफ ले जा रहा है बनवाने के लिए? एक मिनट प्रदीप जी, ऐसा थोड़ी ना, धनोज जी बोले तब आप बीच में नहीं बोले, रुक जाइए आप सुन भी लीजिए। प्रेम जी तो पहले भी एक लोकसभा चुनाव में डिबेट में बैठे थे, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में 20 सीट दी थी बीजेपी को। एक मिनट आप टारगेट पता लगा प्रेम जी कितनी सीटें मिली? पर्सनल टारगेट में दर्द हुआ ना भारतीय जनता पार्टी को, मतलब ये अपनी हार कहता था बताइए। एक मिनट अब प्रेम जी आप आकर कर रहे हैं, प्रेम जी किसी पार्टी नहीं है, उन्होंने कुछ बोला नहीं, आपने पहले बीच में कूद पड़े। मैं पार्टी में प्रेम जी को समझता हूँ और मैं प्रेम जी का आज बहुत बार साथ बैठ चुका हूँ और प्रेम जी जो डिफाइन करना चाहते हैं या बोलते हैं मैं अच्छी तरह समझता हूँ। प्रेम जी क्या और किधर बोलते हैं आप बताइए, किसको डिफाइन करते हैं प्रेम जी, किसको डिफाइन करते हैं? नहीं वो एक पत्रकार है, नहीं वो पत्रकार है और गरिमा है, मैं नहीं कह सकता। आप लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे कौन पत्रकार है कौन नहीं है? नहीं हम सर्टिफिकेट क्यों बांटेंगे, वो तो खुद बोली आदमी की सब कुछ बताती है, मैं सर्टिफिकेट क्या बांटूंगा? अच्छा एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, व्यक्तिगत नहीं प्लीज प्रेम जी। प्रदीप जी जो बात बोल रहे हैं निश्चित रूप से 2019 में जो आकलन था वो मेरा भी आकलन था वो गलत था, गलत हुआ था। पर एक बात यह है कि उसके बाद भी बहुत सारे विधानसभा चुनाव आए, बहुत सारे नतीजे आए, बहुत सारे पूर्वानुमान आए, बहुत सारे एग्जिट पोल आए, उनमें से भी बहुत सारे लोग गलत हुए, ये भी आप ख्याल रखें। अगर मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो अनुमान में गलत होता हूँ तो कोई पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी, मैं विश्लेषक हूँ, तो आप उनसे पूछेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है तो वो मेरी व्यक्तिगत एक अनुमान होगा, वो गलत हो सकता है। आप उनसे पूछिए ही मत कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आप मुझसे पूछिए कि क्या हो रहा है। मैं पर सवाल अच्छा पूछा तिलक जी ने, तब की और अब की परिस्थिति क्या फर्क है, मैं वो परिस्थितियां बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिकूल क्या क्या पैदा हुई तो और कितना अनुकूल स्थितियां थी 2017 में, ये मैं बता रहा हूँ। इस बार बेसहारा पशु का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछले बार नहीं था। इस बार ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है, सारे कर्मचारी छान कर बैठे हैं क्या वोट करना है, पिछले बार नहीं था। इस बार जो महंगाई का इंटेंसिटी है वो पिछले बार नहीं था। इस बार किसान आंदोलन का प्रभाव था, पिछले बार नहीं था। इस बार बेरोजगार जिस तरह से सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने अपने मुद्दे पे घोषणा पत्र में बलवाया है, पिछली बार नहीं था। ये सारे मुद्दे आखिरकार सरकार की जो चला रही पार्टी है उसको इससे नुकसान करेंगी। फायदा वाला भी पॉइंट है, जो बीजेपी लाभार्थी का वर्ग लेकर के सामने आई है कि हमने इतने लोगों को घर बना दिए, हमने इतने लोगों को राशन दिला दिए, ये उनका पॉइंट है कि हम लाभार्थी वर्ग से हमें वोट मिलेगा। लेकिन फिर तुलना कीजिए लाभार्थी वर्ग का एक जो वर्ग है जो आता है उसी लाभार्थी वर्ग में से ये सारे लोग भी हैं, चाहे बेसहारा पशु वाले लोग हैं, चाहे धनोज जी अपनी बात करना चाह रहे हैं, फिर प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए धनोज जी जल्दी। देखिए हाँ मैं 10 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए हिंदू मुस्लिम ओबीसी दलित सबका गला सुरक्षित जिस सरकार में है जनता तय कर रही है। प्रेम भाई बहुत मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकार का काम है आकलन करना, मैं भी करता हूँ, मुझे भी लोग एजेंट दलाल कहते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता सत्य बोलने से। उत्तर प्रदेश की जनता आपको समझना पड़ेगा, 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में आई थी और जब वो लचर हुई क्योंकि उसने भी अच्छा उसने भी बहुत तगड़ी चीज दिया था, भैया राधा भैया को अरेस्ट करके अंदर कर दिया था। लेकिन आप देखिए 2012 में कौन आ गए, सपा आ गए, उस टाइम अखिलेश यादव का नाम भी नहीं था और मुलायम सिंह यादव रातों रात घोषणा कर दिया अखिलेश यादव को, 5 साल उसने शासन चलाया। बीजेपी 2007 में आ गई, योगी बाबा का नाम भी नहीं था मुख्यमंत्री का और एकदम से आ गए योगी बाबा, और आज 2022 में योगी जी ही है मुख्यमंत्री चेहरा। और वो एक बात हमेशा कहते हैं सबको कि योजना अपनी जगह है, जान माल की सुरक्षा, क्योंकि आपको बता दू दयाराम भार्गव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहां कटरा भी सही सलामत नहीं होता, कटरा भी ना देख इसको कहता है, जब जानवर के बच्चे सही सलामत ना रहता हो जिस सरकार में उस सरकार को थोड़े चुनेगा,
लेकिन योगी की सरकार ने कहा है कि व्यापारी को ऐसे हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है। हिंदू का गला सुरक्षित है, मुस्लिम का गला सुरक्षित है, दलित का गला सुरक्षित है, ओबीसी का गला सुरक्षित है, सवर्ण का गला सुरक्षित है। तो सबसे पहले गला से ही सब कुछ है। जब गला ही नहीं रहेगा तो पानी क्या करना, प्यास क्या करना, भोजन क्या करना। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अपने गला की सुरक्षा पहले देख रही है। 5 साल में एक भी धनोज जी आप दंगे नहीं हुए। एक मैसेज आया, मैं पढ़ दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके किसी शुभचिंतक ने लिखा होगा शायद ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लाइव में लिख सकते कि पूछिएगा धनोज जी ने बीजेपी कब ज्वाइन की, पूछ रहे हैं। नहीं इसको बीजेपी ज्वाइन करना थोड़े ना, इसका मतलब सत्य बोलना। उसको बोलिए व्यूअर्स को कि सच्चाई क्या है। अरे सपा के परिवार की महिला, सुनिए जवाब दे रहा हूं मैं, सपा के परिवार की महिला भी पावा के राज में सुरक्षित रही। सपा बोल रहा हूं, और जिसने मुझसे पूछा है नहीं, मैं अगर उत्तर प्रदेश का है, मैं इनको बोल रहा हूं ज्वाइन नहीं किया अभी बीजेपी, अभी ज्वाइन नहीं किया। क्या करा आपको? अरे मैं पहले आपसे नहीं बोल रहा हूं मैं, वो व्यूअर्स आपका नया है, प्रेम भाई से पूछिए। हमने सैकड़ों डिबेट किए हैं, ताल ठोक के मैं बोलता हूँ। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, थोड़े बोलता धनोज जी, सैकड़ों में से बिना पैसे का मैं वोटा वर्कर और बताइए। अच्छा पैसे लेकर भी बोलते हैं क्या? मैं क्या कह रहा आपको, मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं आपको बोल दूँ आपके चैनल पर, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, मैं आपके साथ ही बैठा हूँ कई बार। जो लोग खिसकियाए हुए होते ना, वो इसी तरीके से हंसते हैं। मेरी बात सुनिए ना, लोग इल्जाम लगाते हैं, जो लोग खिसकियाए हुए होते हैं वो इसी तरीके से हंसते हैं बीच में। सुन तो लीजिए, कहते हैं ये दलाल एजेंट है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है। मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मैंने सिर्फ ये लिखा, वो जो लिखा हुआ था मैंने वो पढ़ा कि वो पूछ रहे थे कि धनोज जी ने बीजेपी ज्वाइन की या कर ली है या करने वाले हैं। आई लव यू मोदी बोलूं तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया? हाँ वही गलत सोच रहे होंगे ना वो। मैं तो राहुल गांधी को बोलता हूँ कि चाइना का एजेंट है, मैं तो बोलता हूँ खुल के, आज से थोड़े बोल रहा हूँ। ओके ओके, अब राहुल गांधी तो 93 से बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं धनोज जी, उस टाइम तो राहुल गांधी थे भी नहीं। कोई बात नहीं, ओके। मैं कांग्रेस को, भार्गव जल्दी से कांग्रेस को 93 प्रदीप जी आपके पास आ रहे हैं। ओके धनोज जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ सर, एक मिनट, एक भार्गव जी आपका, मैं भी बिल्कुल राइट। भार्गव जी 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 जी, देखिए तिलक भाई, हमारे धनोज भाई अच्छे पत्रकार हैं, हमारे मित्र भी अच्छे, हमने बहुत डिबेट करी है। हमारे जो है धनोज भाई की एक समस्या है, इनके पेट में दर्द होता है जब तक ये विपक्ष को गरियाए ना। अगर विपक्ष को आप गरियाओगे भैया तो हर कोई कहेगा कि आप भाजपा के प्रवक्ता है। अब रही बात, जिस बाबा की आप तारीफ करते हो उसी बाबा से त्रस्त होकर के देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चलाता है, जेल जाके 4 महीने में बेल मिल जाता है, उसी फिर आपको कुछ पता ही नहीं, आपको बीच में बोलने लगते हैं आप, 4 दिन की मुद्दा ही नहीं है आपका बोलने के लिए आपके पास। भार्गव जी मुद्दा ही नहीं है बोलने के पास, लगता है आप न्यायालय को मानते नहीं है आप, फिर आपको पता नहीं जमानत कहाँ से मिली है। अरे आप एहसान मनाए भार्गव जी की भारतीय जनता पार्टी ने आपको नेता बना दिया, ये तो 4 वोट नहीं मिलती थी आपको। आज जो राजभर जी नेता है ना उत्तर प्रदेश के, वो भारतीय जनता पार्टी के देन है, बता दूं आपको मैं। और जो जयंत चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही बने थे मथुरा से, तो थोड़ा सा एहसान को रखिए अपने पास। जी बता देता हूँ आपको मैं, मुझे ना मैं बता रहा हूँ, आप अपने को देखो। अरे आप क्वेश्चन मत करो, तो इसलिए अपने आप को देखो। ये जो मुख्य जो आप उत्तर प्रदेश को संभालने की बात करिए, आपने कुछ नहीं करा आपने उत्तर प्रदेश के लिए। ये जो आपने पार्टी बनाई है ना जय भरो पार्टी, ये स्वयं देव पार्टी नहीं है, ये आपने जय भरो पार्टी बनाई है। आप लोग वो पार्टी है, अरे कोई नहीं बैठा, ये योगी है, योगी है। आप जैसे को सुरंग में घुसेड़ दिया, आप जैसे की बदमाशी खत्म कर दी, ये योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने कटरे बंद कर दिए। ये योगी आदित्यनाथ है कि पूर्वांचल आप सुबह चलो दिल्ली, शाम को पूर्वांचल पहुंच जाओ। ये योगी आदित्यनाथ है, ये योगी आदित्यनाथ है कि क्या अखिलेश जैसे घर में छुपे रहे 6 महीने पहले निकले। अरे छोड़ दीजिए धनंजय जी, क्यों बहस करें जबरदस्ती की। अरे आपको जीविका दे दी भारतीय जनता पार्टी ने, जो इतनी लंबी जीभ जो आपके पास है ना आज बोलने के लिए,
वो भी भारतीय जनता पार्टी की दीदी है आपको लोग, अगर भाजपा समर्थन ना देती तो आज सुहेलदेव पार्टी का दूर तक पता नहीं होता। हमने तो सुना ही है, पहली बार नाम है सुहेलदेव पार्टी भी उत्तर प्रदेश में है। हमें तो 2 साल पहले पता ही नहीं था कि सुहेलदेव पार्टी भी है। भार्गव जी एक मिनट, भार्गव जी एक मिनट, भार्गव जी इतना बोल के आप क्या दिखाना चाहते हैं? जो आपकी हंसी बताती है कि बहुत खुशी आए हुए हैं आप, बहुत खुशी आए हुए हैं आप लोग। आप मुद्दे नहीं बोलने के लिए, अगर आप पूर्वांचल के, अगर पूर्वांचल की राजनीति करते हैं तो पूर्वांचल के मुद्दों पर बात कीजिए, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। पूर्वांचल के मुद्दों पर बात कीजिए। प्रेम जी एक मिनट, ऑडियो नीचे। प्रेम जी मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, ग्राउंड जीरो पर जब हम उतरे तो अखिलेश के समर्थक ये कह रहे थे कि ये लड़ाई 2022 की नहीं है, 2024 की लड़ाई है और यहाँ से ये लड़ाई शुरू होती है। ममता बनर्जी का अखिलेश यादव के पक्ष में वोट मांगना, अखिलेश यादव के लिए प्रचार करना, उनका बनारस पहुँचना और बीजेपी नेताओं का उनको काले झंडे दिखाना, जो आरोप लग रहे हैं, क्या वाकई में ये लड़ाई जो है वो 2024 की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जो मुलायम सिंह यादव का सपना हुआ करता था? मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मुझसे पूछ रहे हैं क्या? नहीं नहीं प्रेम जी, अच्छा प्रेम जी बोलिए। मैंने समझा सवाल किसी और के लिए। तिलक जी देखिए, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का निश्चित 2022 की तैयारी सबके लिए है। खुद कोई क्षेत्रीय दल अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रदर्शन करता है तब भी वो विपक्ष के साथ मिलकर के एक जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की सोच रखी जा रही है, कोशिश हो रही है, पत्ते भी हुई है, तो उसमें वो अपनी भूमिका तलाशेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए भी भार्गव जी बहुत गुस्से में लग रहे, सुनाई नहीं दे रहा उनको। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि ये ऐसा प्रदेश है जहाँ से इसकी संख्या 70 से प्लस रख करके ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी को बनाए और बचाए रख सकते। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। यही कारण है कि उनका जो हाइट है कट करने की भी कोशिश होती रही है, तो खुद उनके विरोधी और उनके समर्थक दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण चुनाव है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी की तरफ से जो आगे राजनीति होने वाली है उसमें योगी आदित्यनाथ जी की क्या भूमिका रहने वाली है, तो ये सारे पहलू हैं जिस वजह से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 के लिए महत्व रखता है। ये प्रेम जी, क्या ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश आना, अखिलेश यादव को समर्थन देना, क्या खेला होवे लगता है आपको? देखिए तिलक जी, ममता बनर्जी उनका अपना तो कोई स्टेक नहीं है जो वो चुनाव लड़ रही है, वो राष्ट्रीय स्तर पर जो कोशिश कर रही है कि एक मोर्चा खड़ा हो और उसमें उनकी भूमिका सेंट्रल हो, इस महीने में एक प्रयास उनका विफल हो चुका है, एक और प्रयास चल रहा है। इसमें अखिलेश यादव किसके साथ होंगे, अगर वो अखिलेश यादव को लुभा पाती है, रिझा पाती है, अपने से जोड़ कर रख पाती है, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक विकल्प खड़ा करने में ममता बनर्जी की भूमिका हो सकती है। इसलिए ये कोशिश है कि वो अखिलेश काम करती हुई दिख रही है, एक ब्राह्मण नेता के तौर पर एक वो यहाँ पर बनारस जाती है और एक करते हैं जैसे कि वो ब्राह्मण नेता हो, ताकि हिंदू वोटर जो है ऐसे भी उन पर जो दाग लगता है बीजेपी वाले जो ठीक। प्रेम जी आप ही से जुड़ा हुआ एक सवाल, एक आप ही से जुड़ा हुआ एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगा। भार्गव जी थोड़े आंकड़े हैरान करने वाले हैं। प्रदीप जी धनोची प्लीज प्ले करिए, 5 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत आई है और वो आंकड़े अंबेडकर नगर में करीब जो है वो 60% मतदान हुआ है, ये 5 बजे तक के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। और बलरामपुर में लगभग 48% के आसपास, सिद्धार्थनगर में लगभग 50% के आसपास, बस्ती में लगभग 56% के आसपास, संत कबीर नगर में लगभग 52% के आसपास, महाराजगंज में लगभग 58% के आसपास, गोरखपुर में लगभग 54% के आसपास, कुशीनगर में लगभग 55% के आसपास, देवरिया में लगभग 52% के आसपास, बलिया में लगभग 52% के आसपास वोटिंग हुई है। ये 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। मैं प्रेम जी आपके पास रुक करूंगा,
प्रेम जी, अभी तक ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़े आना भी बाकी हैं और लगभग 1-1.5 घंटे में उम्मीद है कि ये आंकड़े सामने आ जाएंगे। लेकिन जो मैं वोटिंग परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, ऑन एवरेज मैं लगा लूँ तो लगभग 54 से 55% के आसपास वोटिंग दिखाई दे रही है इन जिलों में, क्या संकेत मिल रहे हैं? ये आंकड़ा थोड़ा अपडेट होगा, जो अभी 5 चरणों का चुनाव हुआ है उसमें जितना होता है उस हिसाब से 1.5% 2% और बढ़ सकता है। पिछले बार के 57% मतदान हुआ था सीटों पर, तो इस बार उससे थोड़ा कम फिर रहने वाला है। तो अब तक जो हर चरण में 1 से 2% कम रहा है, वही पद्धति इस चरण में भी दिख रही है। आपके योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर में ओवरऑल जो परसेंटेज आप बता रहे हैं उससे कम मतदान गोरखपुर सदर की सीट में होता हुआ दिख रहा है जी। तो ये बात अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करती है कि गोरखपुर में जितना मतदान हुआ है पूरे जिले में उससे भी कम मतदान गोरखपुर सदर में क्यों हो रहा है जहां मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। उस तरफ सबसे ज्यादा मतदान वाला जो जिला अम्बेडकर बता रहे हैं वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा दलित वोटर थी और स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से छोड़ करके विपक्ष के केंद्र में जाना और इसके अलावा भी आप देखेंगे कुशीनगर में ज्यादा मतदान है, आपको सिद्धार्थनगर में भी ज्यादा मतदान है। 3-4 ऐसे जिले हैं जहां SC वोटर और OBC वोटर का प्रभाव ज्यादा है, तो यहां पर मतदान ज्यादा होना ये भी इसका भी अपना अलग मतलब है जी। और इसको उसी रूप से देखना पड़ेगा। ठीक, धनोज जी आप मुस्कुरा के हो रहे थे, जल्दी से फिर भार्गव जी और प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। हां बिल्कुल, मैं मुस्कुरा रहा था, प्रेम भाई जब बोल रहे थे कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय सदर गोरखपुर, अरे देखिए यही तो समझ नहीं पाए, विपक्ष ट्रैप में फंस गए। आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे थे और आंकड़े जो भी आपने दिखा रहा था, मैं व्यक्तिगत तौर पर इन क्षेत्रों में घूम कर आया हूं आपको बता दूं, और जिसकी आप जैसे कुशीनगर की बात कर लीजिए, सिद्धार्थनगर की बात कर लीजिए, देखिए वहां एक परसेप्शन बनी है कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बना नहीं पाएगी, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वोटर है वो कभी भी सपा को वोटिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनका जो साइलेंट डिसीजन वो सबको पता है और आपको भी पता मेरा इशारा क्या। और दूसरी बात मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम वो भाजपा की ओर है वो वोटर जो मुझे दिल्ली वोटर, हाँ हंस लो भैया, क्या हंसने में कोई टैक्स लगता है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हंसना वाजिब है, इनका हंसना वाजिब है मनोज जी, आगे हंस नहीं पाएंगे, इनका हंसना वाजिब है क्योंकि 10 साल की हंसी बंद हो जाएगी इनकी, हंसना वाजिब है इनका। अभी फिलहाल सुनिए ना प्रदीप जी, देखिए दयाराम भार्गव कितने खुश होकर हंसे, इसका दिल का हंसी था, धनोज जी कि हाथी के सूंड में कमल है वो देख नहीं पा रहे आप लोग, यही समझा रहे प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल ये समझ नहीं पा रहे। धनोज भाई सुनिए, देखो मैंने तो पहले बार कहा ना कि धनोज भाई को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो जाना चाहिए, ये गुड बात है भाई। धनोज भाई चश्मा लगाते हैं, चश्मा मेरे पास भी है। अरे आपको एक वर्ड बोलने दीजिए चावला जी, आपके जाते से एक वर्ड बोलने दीजिए प्रेम भाई, सुनिए बोलिएगा, अरे बोलिएगा एक वर्ड बोलने दीजिए, एक वर्ड अब सुनोगे भी धनोज, एक वर्ड बोलने तो दीजिए, अरे मैं बुरी बात नहीं बोलूंगा भाई, बुरी बात नहीं बोलूंगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चश्मे, अब गुस्सा नहीं, चलिए चलिए वक्त की इजाजत, पेन का चश्मा ब्लैक होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में खुशी भी हुए तो जेल होता है, जो 4 दिन की नूडल है 1.5 साल से जेल नहीं हुआ। ओके भार्गव जी तमाम मुद्दे तो उठा रहे हैं ना आप मन से, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, प्रदीप जी थैंक यू सो मच, प्रेम जी बहुत बहुत शुक्रिया, धनोज जी आपका भी और भार्गव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नॉनस्टॉप की कवरेज हमारी जारी है। अब जो लेटेस्ट अपडेट आंकड़ा आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार चुनाव में वोट प्रतिशत के अपने मायने हैं।
क्या कुछ कहता है छठे चरण का मतदान का वोट प्रतिशत, वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार ये कवरेज जारी है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।